पर उसको ही महाराज जी मिट्टी वाले जल को आहा गोदावरी का दूध गोदावरी का अमृत ऐसा कहकर बीच बीच में एक एक दो दो घूट ले लेते और बैठे रहते। नरसिंह धाम वाले हरिद्वार नरसिंह धाम वाले महाराज जी के सहारे नहीं जीते हैं, वे भजन के सहारे जीते हैं। आज भी हम लोग साधुओं में अब तो टकसार न कोई बताता है न कोई पूछता है, नहीं तो हमारे संतों में महाराज जी विरक्त संतों में पूछा जाता आपका आहार क्या है, क्या पूछते आपका आहार क्या है, और आपने कह दिया कि दाल भात फुलका साग, अरे बोले खड़िया है, भीतर आसन नहीं रखने देंगे, बोले बाहर रहो वहां रहो, अंगला कंगला को जहाँ मिलता है वहाँ जब लाइन लगती है उसमें खा लिया करना, भीतर नहीं रह सकते, भीतर आसन नहीं रहेगा तुम्हारा। आपने कह दिया कि हलवा पूड़ी साग खाते हैं या दाल भात फुलका साग खाते हैं तो आपको भगा दिया जाएगा, ये पुराने संतों की बात है। तो हमारे यहाँ संतों में टकसार में पूछता आपका आहार क्या है, तो क्या कहते श्री हरि नाम, क्या कहते हैं श्री हरि नाम। हम लोगों का साधकों का आहार ही हरि नाम है, आहार के बिना जी सकते हैं नहीं जी सकते, इसका मतलब है बिना हरि नाम के हम जी नहीं सकते रह नहीं सकते। चलो आपको इसमें भी संदेह हो सकता है, हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं जिसको हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जिनकी मंगलमय छवि हमारे नेत्रों के सन्मुख विराजमान है, श्री भक्तमाली जी और श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, तीसरे नासिक कुंभ की बात है। महाराज जी बोले नासिक कुंभ है तुम हमारे साथ चलो, तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी बोले तुम्हारा सौभाग्य है बहुत अच्छी महापुरुष की सन्निधि मिलेगी चले जाओ, तो हम साथ गए उनके। तो यहां से पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर से ग्वालियर तक गए कार से, और ग्वालियर से टिकट था रेल का, रेल से नासिक जाना था। अब की बार जो नासिक कुंभ होगा वो हमारा चौथा कुंभ होगा, ये तीसरे कुंभ की बात है। तो वो हमारी पहली यात्रा थी महाराज जी के साथ, लंबी यात्रा, वैसे तो आसपास गए थे तो उस हिसाब से हमने अपने थैला में कुछ पढ़ने की पुस्तकें और कुछ नित्य नियम का सामान रख लिया, एक थैला था कुछ कपड़े थे। जैसे हम थैला लेके पहुंचे खाक चौक, सोई महाराज जी ने देखा ये क्या है, हमने कहा महाराज जी आज चलना है ना साथ, क्या है इसमें, महाराज जी नित्य नियम का सामान है, कुछ कपड़ा है, व्यवहार का सामान है। बोले कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा, कितने बच्चे हैं, कितना परिवार है तुम्हारा, हमने सिर झुका लिया, अरे राम राम इतना सामान लेके चल, फेंक 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 निकाल सब निकाल, सब सामान निकलवा दिया। बोले वहां गोदावरी में खड़े होके संध्या कर लेना, ज्यादा बर्तन की जरूरत नहीं है, एक शरीर पर वस्त्र और एक दूसरा वस्त्र। बोले देखो हम एक लंगोटी एक साफी और एक अचला व्यवहार करते हैं, तो दो लंगोटी नहीं रखते थे, दो साफी नहीं रखते थे, दो अचला नहीं रखते थे महाराज जी, एक आसन छोटा सा, आसन भी इतना बड़ा उनका होता था जिसपे आप सीधे सो नहीं सकते पूरे, इतना बड़ा आसन बस, केवल इतना बैठ जाए तो बैठ जाए, लेट जाए तो केवल पीठ और कमर आ जाए, बाकी जांघ पैर और ये भाग सब जमीन में, इतना आसन, न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊं कुछ नहीं,
एक ब्रह्म पात्र कमंडल, कमंडल और झोली हमको दे दिया। हमारे पास सब सामान खत्म, कुछ सामान ही नहीं रह गया। एक छोटी सी झोलिया जैसी थी वो, और ये कपड़े में कितना जगह घेरता, वो कपड़ा कंधे पे ले लिया, चले साथ में। वहाँ रहे सवेरे, दूसरे दिन टिकट था रेल में, तो जिनके घर हम रुके थे वो तो माता जी को बड़ी दया आई कि बालक हैं, इनको भूख लगेगी, महाराज जी तो रास्ते में कुछ लेते नहीं। तो उन्होंने एक छोटे थैला में थोड़ा भुजिया वाला साग और बढ़िया दूध में आटा मारकर पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई रख दी। महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे, ए ये क्या है, नया सामान क्या ले लिया तुमने? अब हम कुछ नहीं बोले तो वो माता जी बोलेंगे, महाराज अब आप तो महात्मा आओ, आप तो महात्मा हो, आपको तो भूख प्यास लगता नहीं है, ये बालक है इनको भूख लगेगी, फेंक इसको निकाल, रास्ते में खाने पीने का धर्म नहीं, उसको भी निकलवा दिया, साथ रहो। अभी कई बार हमारे मन में आता कि ऐसा हम करने लग जाएं तो हमारे साथ जो 10-5 लोग चलते हैं सब कहेंगे हम तो वृंदावन में ही भजन करेंगे, यहाँ बढ़िया बाल भोग राजभोग व्यारू मिलती है, भूखे प्यासे मरने के लिए थोड़ी आपके साथ रहेंगे। और महाराज जी के साथ ऐसा ऐसा था उनका विलक्षण स्वभाव। और रात्रि को इतनी जोर की हमको भूख लगी कि एकदम विकल हो गए भूख के मारे, था तो कुछ था ही नहीं पास में खाने को। तो महाराज जी ने बोले ऊपर की सीट पे, हम वो एसी में नहीं जाते थे महाराज जी, स्लीपर में चलते थे, क्योंकि एसी उनको बाहर की हवा लगनी चाहिए, भीतर की हवा ठीक नहीं। तो ऐसी सीट महाराज जी कभी ट्रेन से जाते थे तो एक साइड की तीनों सीट उन्हीं की, तो ऊपर की सीट में हम, बीच की खाली लटकी हुई और नीचे की पूरी, जिसमें वो आराम से बैठे रहे, वो एक मिनट नहीं लेटते थे, खिड़की की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। तो हम जैसे ही हमको बुलाए, अमुकदास जी महाराज जी, अरे भाई तुमको बड़ी जोर की भूख लग रही है, मैंने तुम्हारा पूरी साग निकलवा दी, अरे देखो यहाँ सब जाने कौन कौन लोग घूमते फिरते हैं, इनके बीच में खाना पीना ये साधु का धर्म नहीं है, लो लो लो। तो अपने हाथ से उन्होंने गाय के खोवा के पेड़ा बनाए थे, तो हमारी उनकी झोली हमारी पास थी, झोली हमसे मंगवाई और झोली में से दो पेड़ा निकाले, दो पेड़ा हमको दिए और बोले लो जल पी लो, तो अपने कमंडल से जल दिया, लो दो घूट जल पी लो, दो पेड़ा खा लो, आत्मा में शांति आ गई। आश्चर्य की बात है, वो दो पेड़ा से ऐसी तृप्ति हुई कि ऐसे लगा कि एकदम हमारा पेट भर गया, एकदम बढ़िया हो गया। वहाँ पहुँचे तो महाराज जी बोले कि देखो ये तपोवन है, राम जी ने यहाँ तप किया है, तो मैं जितने दिन यहाँ रहूँगा उतने दिन केवल गोदावरी का जल पीकर रहूँगा, पर इस बात को तुम किसी के भी सामने प्रकाशित मत कर देना कि महाराज जी खाना पीना बंद है, केवल फलाहार ही लेते थे वो। महाराज जी बोले हम फलाहार भी नहीं लेंगे और हम केवल गोदावरी का जल लेंगे, और तुम्हारी सेवा इतनी है कि हम रात्रि को 2 बजे सीताराम बोलेंगे, एक आवाज में उठ जाना और फिर चले जाना, स्नान करके 2:30 बजे के करीब चले जाना गोदावरी, स्नान करके संध्या करके जप करके आना, हमारे कमंडल में जल भर के लाना, उसी जल से हम थोड़ा सा स्नान कर लेंगे और वही जल थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो तोला पीते रहेंगे। हम ले आते थे जल, बरसात में तो जल में मिट्टी होती है, मिट्टी वाला जल था, पर उसको ही महाराज जी मिट्टी वाले जल को, आहा गोदावरी का दूध, गोदावरी का अमृत, ऐसा कहकर बीच बीच में एक एक दो दो घूट ले लेते और बैठे रहते। नरसिंह धाम वाले, हरिद्वार नरसिंह धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी अयोध्याचार्य जी महाराज, वे महाराज जी के लिए साग बना के लाते थे फलाहारी, तो महाराज जी उसको रखवा लेते थे, इतना सा साग, अब वो भी हमको खाने के लिए दे देते, क्यों उनको तो खाना नहीं,
और लोगों के कि महाराज जी तो साग ही लेते, महाराज जी साग ले रहे हैं। और हमसे बोले देखो तुम बालक हो, तुम भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो, दोपहर में एक समय भोजन करना, दो रोटी से अधिक मत लेना, जो आ गया। तो हम दो ही रोटी लेते थे, न सवेरे बाल भोग न रात को ब्यारू। कम खाने का कैसा दिव्य प्रभाव होता है, वो दो रोटी खाकर भी मतलब आलस्य तो रहता ही नहीं था। अन्न की तो गर्मी होती, उसका आलस्य आता है। डाकुर के राज रसोईया जी थे, वो जब हम पाने के लिए वो आते कि चलो प्रसाद पाने, तो महाराज ए दो रोटी खाना। एक दिन वो बोले महाराज आप तो कुछ खाते पीते नहीं, ये बालक है इनको भी खाने पर प्रतिबंध है। अरे बोले पेट भरने के लिए थोड़ी साधु बने, राम राम करने के लिए साधु बने। ऐसा था महाराज जी का स्वभाव। तो देखते बाहर छत्ता का दरवाजा बंद और महाराज जी बैठे ध्यान में, लगातार ध्यान में बैठते थे वो एक आसन से, जैसे पाषाण की प्रतिमा। एक बार हमने विचार किया कि हम देखें महाराज जी कितने घंटे बैठते हैं ध्यान में, आपको आश्चर्य होगा, घड़ी देखकर हमने देखा 22 घंटे एक आसन से महाराज जी को बैठे देखा। कितने घंटे? 22 घंटे एक आसन से। अब उसके बाद हम एकदम इतनी जोर नींद आई कि हम सो गए। 12 बजे से 2 बजे तक हम सोए और महाराज जी का सीताराम नाम सुनकर जब नेत्र खोले तो महाराज जी वैसे ही बैठे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 घंटे भी बैठे ही थे, केवल एक बार स्नान करने के लिए उठते थे फिर आसन पर बैठ जाते थे, और उनके शरीर की अवस्था उस समय 100 वर्ष से ऊपर की थी। कितनी अवस्था थी? और एक दिन दो दिन नहीं रहे, 10 दिन इसी तरह से वो रहे। आप सोचो 100 साल में कोई इतना बैठ सकता है क्या? ये सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहे हैं, ये किसी पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहे हैं, ये अपने नेत्रों से जो देखा है, अत्यंत निकट रहकर देखा है, उसको बोल रहे हैं हम। वो कहते थे जीवन में मेरे एकांत क्षण में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं रहा है, कोई मनुष्य शरीर उसकी दृष्टि मेरे शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए एकांत में। और कहते थे केवल तुम ही ऐसे हो कि तुम्हारे रहने से मेरी ध्यान धारणा में कोई विक्षेप नहीं होता है, अब कोई दूसरा आ जाए तो मुझे विक्षेप हो जाता है। किसी को जीवन में अपने साथ रखा नहीं उन्होंने, पर हमारे ऊपर उनकी इतनी करुणा थी कि लगातार अपने साथ अपने शरीर की छाया जैसी बनाकर उन्होंने रखा। एक बार तो रात्रि को 1:30 बजे ही उन्होंने आवाज लगा दी, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण, जैसी आवाज। यही अलार्म था और कोई घड़ी वाला अलार्म थोड़ी था। तो हम उठकर हमने साष्टांग प्रणाम किया। रे तेरे पास घड़ी है? हाँ महाराज जी घड़ी तो है, छोटी घड़ी थी। कितना बजा? मैंने कहा 1:30 बजा है। अच्छा हो 1:30 बजा है। देखो बच्चा हमने एक संकल्प कर लिया है, ये बताने के लिए तुमको जगा दिया। महाराज जी क्या संकल्प कर लिया? बोले देखो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। मैंने अपनी आध्यात्मिक संपत्ति और जो गुरुजनों की परंपरा से प्राप्त मेरी भौतिक संपत्ति खाक चौक आश्रम, इन दोनों को तुम्हें देने का निश्चय कर लिया है। हमने कहा महाराज जी हमने विरक्त वेश नहीं लिया था, रहते साधु जैसे ही थे। हमने कहा महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो कोई साधु भी नहीं बने हैं और हमारी अवस्था भी कम है, आपने ऐसा क्यों कर लिया? मेरी पात्रता तो नहीं है। अब उनके शब्द हम बोल रहे हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने को विद्यार्थी मत कहो, मैं पहचानता हूँ तुमको, तुम 3 जन्म के साधु हो, तीनों जन्मों से ब्राह्मण हो और बचपन से ही साधु बन गए, और हम तुमको 3 जन्म से जानते हैं। महाराज जी ने कहा तीनों जन्म से ब्राह्मण हो, तीनों जन्म से साधु हो, बचपन के साधु हो, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब द्वारा तुम्हें संसार में नहीं आना है। और बोले हमारा भी ये 3रा जन्म है, हमको भी अब लौट के संसार में नहीं आना है। ऐसे थे वो सिद्ध पुरुष। बोले सो जा,
सो गए। डेढ़ बजे रात को इतनी 5 मिनट में बातचीत वही होगी, 5 मिनट का और कम समय। फिर बोले लेट जाओ, तो लेट गए। फिर ठीक 2 बजे फिर जगा दिया। स्वप्न हो गया। ऐसे संत और ऐसे संतों की रहनी, आह। अब तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? आप मत करो तो मत करो, हमने तो देखा हम विश्वास करते हैं। इसलिए भैया भगवान के भक्तों का शरीर आहा वो देखने में हाड़ मांस के पुतला जैसा लगता है, पर वो चिन्मय हो जाता है भजन करते करते, चिन्मय हो जाता है। हम लोग भजन साधक